हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज मैं बनाने वाली हूँ मानसून स्पेशल कुरकुरी करारी टेस्टी स्वीट कॉर्न की चटपटी चाट की रेसिपी। इसे बनाना जितना सिंपल, आसान और कम समय में फटाफट बनने वाला है, उतना ही ये हेल्दी, यमी और टेस्टी होता है। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्न को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कप कॉर्न को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसे डाल दिया है चाय के केतली में और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया है। डेढ़ कप के करीब पानी डाला है इसमें और बहुत थोड़ा सा, मतलब दो चुटकी बराबर नमक डाल दिया है। वैसे अगर जरूरत होगा तो मैं बाद में नमक और डालूंगी, लेकिन अभी मैंने इतना ही नमक डाला है। अच्छी तरह से इसे चला लेती हूँ और एक बॉईल आने देती हूँ। ये देखिए, अच्छा बॉईल आ रहा है। जैसे ही बॉईल आने लगा, फिर जो स्वीट कॉर्न है या कॉर्न है वो अच्छी तरह से फूल गया है। मैं आपको पास से भी एक लेकर के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बढ़िया से फूल गया है। तो फ्लेम को लो कर दीजिए और बस एक से दो मिनट तक और पका लीजिए। और देखिए, एक से दो मिनट का टाइम हो गया, फ्लेम ऑफ कर लीजिए और इसे छान लीजिए। तो छानने के लिए मैंने पहले से एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर लगा दिया है और या जाली लगा दिया है और इसके ऊपर सारे कॉर्न डाल करके हम छान लेंगे। और ये जो छनी हुई कॉर्न है इसको हम फैन के नीचे कम से कम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद देखिए कॉर्न का क्या अच्छा टेक्सचर आ गया है, काफी ठंडा भी हो चुका है। तो इसे एक बाउल में पलट लिया है। चलिए कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो दो चुटकी बराबर मैंने सौंठ का पाउडर लिया है, यानी कि अदरक का पाउडर, सूखी हुई अदरक का पाउडर, और एक चुटकी बराबर लहसुन का पाउडर भी डाल दिया है, और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च दो चुटकी बराबर डाल दिया है। और अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर को डालने वाली हूँ, तो बस एक चम्मच डालिएगा, क्योंकि मैं राइस का आटा भी डालने वाली हूँ। तो दोनों एक एक चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं या दोनों भी डाल सकते हैं। ये एक चुटकी बराबर काली मिर्च डाल दिया है और सारी चीजों को अब मिक्स करूंगी। आप मसालों का मात्रा कम या ज्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी थोड़ा कम ज्यादा चलेगा। और ये मैंने एक चुटकी बराबर हल्दी डाल दिया, जिससे कि कॉर्न का जो कलर है बहुत नेचुरल और बहुत सुंदर लगेगा। अब सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। चाहे तो आप इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दे, या फिर मेरी तरह से फटाफट इसे तल लीजिए। तो तलने के लिए मैंने पहले से ही तेल अच्छा गरम कर लिया है। कॉर्न इसमें डाल करके मैं चेक कर रही हूँ कि टेम्परेचर कितना है। बढ़िया टेम्परेचर है। अब मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी और अच्छी तरह से थोड़े थोड़े कॉर्न को डाल करके हम तल लेंगे। तो पहले बैच में मैंने एक पलटा ही डाला है और इसे थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाते रहिएगा। बीच बीच में जब ये अच्छी तरह से ऊपर आने लगे तब इसे पलटते भी रहिएगा। अब फ्लेम को हाई कर दीजिए और 2 मिनट और पकने दीजिए तेज फ्लेम पे, ताकि और ज्यादा क्रिस्पी हो जाए, करारी हो जाए। तो इस तरह से आप इसे तल लीजिए। ये मेरा पहला बैच अब तल करके हो चुका है। तो इसे मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ ताकि सारा तेल नीचे टपक करके गिर जाए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है और दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे पीले कलर की मोती हो, बहुत ही सुंदर। इसी तरह से अब दूसरे बैच को भी मैं तल लूंगी। तो स्टार्टिंग में फ्लेम को लो रखिए और सारा जो बचा हुआ है ना कॉर्न, सारा हम इसमें डाल देते हैं। इस बार थोड़ा ज्यादा लिया है। तो सारे कॉर्न को डालने के बाद अलट पलट करके लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे और 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। और ये देखिए छिटकना भी शुरू हो गया है। पहले बैच में कम था तो नहीं छिटका था, तो दूसरे बैच में या जब ज्यादा रहे तो प्लेट लगा करके इसे तल लीजिए, यानी ढक करके इसे तल लीजिए और बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा। ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी अच्छी तरह से बन चुका है। तो पहले बैच का जो हमारा कॉर्न रेडी था उसी के ऊपर इसे भी निकाल लेंगे और जब दोनों बैच के सारे कॉर्न से तेल निकल जाए अच्छी तरह से, तब हम इस कॉर्न को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, बहुत ज्यादा ठंडा भी मत कीजिएगा, गर्म रहे तभी ये बहुत कुरकुरा रहेगा। अब ये हल्का ठंडा हो चुका है तो इसे बाउल में पलट देते हैं, डाल देते हैं और अब इसमें हम थोड़े से कुछ मसाले या सामान और ऐड कर देते हैं जो चाट को और चटपटा बनाएगा। एक मीडियम साइज का प्याज, एक हरी मिर्च और थोड़े से कच्चे आम के टुकड़े मैंने बारीक चॉप करके इसे डाल दिया है। और देखिए सारी चीजें कितनी प्यारी लग रही हैं। आम से खट्टापन भी जो आ जाएगा। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा, आधे चम्मच के करीब चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके और थोड़ा सा नींबू निचोड़ने वाली हूँ।
तो इस तरह से नींबू ले लीजिए और इसे थोड़ा सा निचोड़ लीजिए, बहुत ज्यादा निचोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब आप निचोड़ लीजिए और सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। अगर आपको इस वक्त लगे कि नमक कम है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि नमक कम है, मैंने टेस्ट कर देखा है, तो मैंने आधे चम्मच छोटी वाली चम्मच से नमक भी, काला नमक मैं डाल रही हूँ इसमें, जो कि इसके टेस्ट को और बढ़िया बना देगा। सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और चाट बन करके रेडी है। ये लीजिए इस यमी टेस्टी चटपटी और बेहद कुरकुरी कॉर्न चाट को सर्विंग प्लेट में सर्व किया है। बस एक छोटे से नींबू के टुकड़ा भी इसके ऊपर लगा देती हूँ, जो इसके लुक को कंप्लीट करता है। पास से इसका कलर टेक्सचर देखिए और लुक भी बहुत शानदार है, लाजवाब है। मैंने कॉर्न चाट और कॉर्न का पहले भी बहुत सारी रेसिपी दे रखी है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप अवश्य चेक कर ले। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक।